हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, अगर लगे कि आपको हाँ अच्छी है और ये वर्क करेगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं हम उन 5 टिप्स की जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, वाइट हो जाएगी और ब्राइट लगेगी, एंड आपकी जो स्किन है उसका लुक कैसा हो जाएगा, ग्लास स्किन जैसा। जिस तरह से कोरियन लोगों की स्किन ग्लो करती है, सेम वैसे ही अभी फ़िलहाल आप मेरी स्किन देख रहे हैं, जैसे शाइन कर रही है, थोड़ा बहुत चमक कर रही है। और बाकी ये जो बाहर की लाइटिंग है तो उस वजह से इतना दिखाई नहीं दे रही, बट अंदर की लाइट में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो ये सब कमाल सिर्फ उन 5 टिप्स का ही है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और आपकी भी स्किन एकदम चमकदार और खिल उठेगी। तो वीडियो को बातें करते हुए लंबा नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं, तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो ज़रूर करना चाहिए, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। पहला तो आप डे में अपना स्किन रूटीन भले ही छोड़ सकते हैं, बट नाइट में आपको अपना स्किन केयर रूटीन बिल्कुल करके सोना है। और आप जो भी क्रीम यूज़ करते हैं अपनी, अच्छी सी नाइट क्रीम यूज़ करें आप, चाहे उसमें नियासिनमाइड, चाहे रेटिनॉल, चाहे हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स, या फिर कोई और फार्मेसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट एक अच्छा नाइट स्किन केयर रूटीन आपके पास होना चाहिए। टिप नंबर 2, आपको जब भी अपना फेस क्लीन करना है तो उससे पहले आपको डबल क्लींजिंग करनी चाहिए। पहले जो क्लींजिंग करेंगे वो ऑयल से होनी चाहिए, एंड सेकंड है जो भी आपको अच्छा लगे, माइल्ड फेस वॉश हो, कोई अच्छा बेस्ट क्लींजर हो, उससे आप अपना क्लींजिंग करिए। टिप नंबर 3, तो टिप नंबर 3 ये है कि आप अपने डाइट में, अपने रूटीन में, जो डे रूटीन है अपना, उसमें डालिए, जैसे आप जूस हो गया, अच्छे फ्रूट्स हो गए, विटामिन सी ज़्यादा भरपूर मात्रा में लीजिए, और बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि अगर आप पानी पियेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी और आपकी स्किन बाहर से अपने आप ही ग्लो करेगी। जब भी आप ये फ़र्क खुद देखेंगे कि आप अगर पानी पीना स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किन बाहर से ग्लो करेगी। बदल बदल के जूस पीजिए, जैसे अनार का हो गया, संतरे का हो गया, और फ्रूट जूस हो गए, तो बदल बदल कर आप जूस पीजिए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में लीजिए। अगर आप जूस नहीं पी पाते हैं, कभी कभार अगर नहीं पी पाते हैं, तो नींबू पानी पीजिए, उसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। बारी आती है टिप नंबर 4 की, तो उसमें आपको क्या करना है, वीक में एक बार, वैसे होम रेमेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर फेस को सूट नहीं करती है, और ज़्यादा होम रेमेडीज़ भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इतना असर नहीं करती है, मतलब असर करने में काफ़ी टाइम लगाती है। लेकिन कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखाती हैं, और आपको वीक में एक बार ही कोई भी होम रेमेडी आप कर सकते हैं। और होम रेमेडी ये नहीं होती है कि कॉफ़ी में आपने चीनी मिलाकर स्क्रब कर लिया, फेस पर डायरेक्ट नींबू अप्लाई कर लिया, और कोई भी ऐसी होम रेमेडीज़ होती हैं, वो होम रेमेडी नहीं होती है। बल्कि होम रेमेडी ये होती है, जैसे आपने फेस पर कर्ड वाला फेस पैक लगाया है, बनाना वाला फेस पैक लगा लिया, और टैनिंग दूर करने के लिए बेसन हल्दी वाला फेस पैक लगा लिया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप वीक में एक बार कोई भी होम रेमेडी वाला पैक ले सकते हैं, ठीक है। अब है टिप नंबर 5 की, जो कि लास्ट है, तो वो ये है कि आपको क्या करना है, रोज़ जब भी आप अपना स्किन केयर करो, या फिर कभी भी अगर आप जब भी फ्री बैठे हो, या फिर मॉर्निंग में आप कोई भी क्रीम अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको फेस मसाज करनी है। मैं जानती हूँ कि अलग से फेस मसाज करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलता है, और सबसे ज़्यादा आलस आता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तुरंत चुटकियों में ग्लो चाहिए, तो उसके लिए इतना हमसे हो नहीं पाता है। तो उसके लिए भी मेरे पास इलाज है। तो आप अपने फेस पर जब भी कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, तो उस मॉइस्चराइज़र से जब आप अपने फेस पर उसे अप्लाई करो, तो उसी से ही आप अपने फेस की मसाज करना। अब मसाज के सिंपल से स्टेप बता देती हूँ, मैं ज़्यादा हाईफाई नहीं बताऊँगी और बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं बताऊँगी आपको, सिंपल से स्टेप्स अप्लाई करने हैं। ये जो दो फिंगर्स हैं इसको ऐसे फोल्ड करके, ये होता है ना, यहाँ से चिक्स को इस तरह से आपको ऐसे करना है, यहाँ चिक्स की यहाँ से यहाँ लगा कर इस तरह से आपको इस एरिया में यहाँ तक पुश करना है, ठीक है। उसके बाद हेड पर ऐसे करके इस तरह से यहाँ पॉइंट पर आपको ये लेके आना है, इस तरह गोल घुमाया और इधर से पॉइंट पर इसे लेके आ गए। उसके बाद अपने फेस को ऊपर की साइड लिफ्ट करना है, और वो भी यहीं जाएगा, इधर पॉइंट पर ऊपर की साइड लिफ्ट किया और इस तरह से, और उसके बाद ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करना है,
और ये वाला जो मैंने यहाँ पर बताया इसे आप यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से जब तक आपका मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक आपको ऐसे करके जो भी आपके फेस में मैंने आपको बता दिए हैं मसाज किस तरह से करनी है उस तरह से मसाज करनी है। तो ये थी 5 टिप्स और इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा वो भी 1 वीक के अंदर। जब आप अपना स्किन देखेंगे मिरर के सामने तो आपको अपने आप ही फ़र्क नज़र आने लग जाएगा कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, ग्लास जैसी चमकने लगी है, स्किन वाइट हो गई है। तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप खुद भी खुश हो जाएंगे कि वाह क्या रेमेडी बताई है और क्या टिप्स बताए हैं। तो ये सिंपल से 5 टिप्स हैं, इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 टिप्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही असरदार हैं। ज़्यादा आपको कोई डे वाला स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नाइट में ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम प्रोडक्ट में कम पैसों के साथ अच्छी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई है इनमें से एक भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करना तो आपकी स्किन 100% आपको रिजल्ट देगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।